हेलो एवरी वन आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू नाउ द क्वेश्चन स्टेट्स दैट वंडरवॉल रियल गैसेज एक्ट एन आइडियल गैस एट विच कंडीशन देखिए क्या कहा गया जो वंडरवॉल रियल गैसेज है वो आइडियल गैस की तरह काम करती हैं किस कंडीशन में पहले बात करते हैं जो वंडरवॉल इक्वेशन है क्या है देखिए वो इक्वेशन फॉर रियल गैसेज तो पी प्लस ए एन स्क्र वी स्क्र v माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी जहाँ पर p क्या है प्रेशर है v क्या है देखिए वॉल्यूम है r इज गैस कॉन्स्टेंट ये है T क्या होता है टेम्परेचर होता है और n क्या है नंबर ऑफ मोल्स और जो ए एंड बी है वो क्या है दे आर वंडर वॉल्स कांस्टेंट है अब दिखाएं आइडल गैस इक्वेशन की बात करें तो जो आइडल गैस इक्वेशन है वो क्या होती है पी वी टू एन आर टी अब कब काम करती है तो जो वॉल गैस है और कौन सी गैस रियल गैस वो एक्ट करती है किसकी तरह एज एन आइडियल गैस की तरह और कब करती है वेन जब जो प्रेशर होगा वो क्या होगा इज लो होगा एंड जो टेम्परेचर होगा तापमान होगा वो क्या होगा हाई होगा और इसका कारण क्या दिखाते हैं यहां पर बिकॉज एट हाई टेम्परेचर पे जब तापमान ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स के पास कानेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वॉल्यूम क्या होगा बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा तो हम क्या कर सकते हैं ये कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को फॉलो करेगा इस कंडीशन में जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और किस पे एट एक मान लो गिवन प्रेशर पे तो इससे क्या होगा सो so, जो बोथ दोनों ही यहाँ पर जो करेक्शन फैक्टर लगे हुए थे बोथ क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो फैक्टर्स बिकम्स क्या हो जाएंगे नेग्लिजेबल हो जाएंगे और इसका कारण क्या देखिए जब टेम्परेचर ज्यादा होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रेशर जो होगा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और इन दैट केस वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगलीजिबल होगा सो इन दैट केस में पी वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन आर टी बोथ द फैक्टर्स बो दर बाय स्क्र एंड एन बी को हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आल्सो बात करें किस पे एट वेरी लो प्रेशर पे अगर प्रेशर कम होगा बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम क्या होगा बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा और जब वॉल्यूम लार्ज होगा सो so, जो करेक्शन टर्म है कौन सी करेक्शन टर्म एन स्क्र बायर वाली वो क्या हो जाएगी सो so स्मॉल बहुत ही छोटी हो जाएगी एंड आल्सो हमें क्या करना पड़ेगा बी को कैन बी निगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो माइनस में वी और वॉल्यूम ज्यादा है तो बी को क्या करना पड़ेगा निग्लेक्टेड करना पड़ेगा इन कंपैरिजन में और किसके कंपैरिजन में टू वी के सो इट रिड्यूसेस हो जाएगी किस में टू पी टू एनआरटी में तो ये ऑबे करती है आइडल गैस इक्वेशन को मतलब आइडल गैस किस तरह काम करेगा तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से हेंस जो फर्स्ट है वो क्या है इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो दैट वाज the explanation of this question and thank you.